हेलो गाइस, आज हम इस वीडियोस में आपको बताएंगे नेमोफोबिया के बारे में। नेमोफोबिया का मीन्स होता है नो मोबाइल फोबिया। यदि कोई व्यक्ति को या किसी ह्यूमन बॉडीज को मोबाइल के दूर जाने से या मोबाइल के गुम हो जाने से या बिना मोबाइल के रहने पर घबराहट, बेचैनी या अजीब फील होता है तो उस व्यक्ति के अंदर या उस ह्यूमन बॉडीज के अंदर नेमोफोबिया है, यानी कि वह व्यक्ति नेमोफोबिया से ग्रसित है, यानी कि उसके अंदर नेमोफोबिया है। यह नेमोफोबिया अकर क्यों होता है, यानी कि नेमोफोबिया अकर क्यों होता है? चाइल्डहुड के ज़माने में क्या होता है, बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने देते माँ बाप, बोलते हैं कि वो टीवी के सामने टीवी से टाइम पास कर ले, बच्चा मोबाइल से टाइम पास कर ले। इस कारण से क्या होता है, नेमोफोबिया अकर हो जाता है। ये सभी इसके कॉजेज हैं, बच्चे को बचपन के ज़माने में खेलने नहीं देना जाना, या टीवी के सामने लंबे टाइम तक की बच्चे के साथ बैठे रहना, इससे क्या होता है नेमोफोबिया अकर हो जाता है, यानी कि बच्चे उस चीज़ के आदि हो जाते हैं, उस चीज़ के बिना उनका टाइम अच्छी तरह से पास नहीं हो पाता है। यह इसके कॉजेज नेमोफोबिया के, और नेमोफोबिया के सिम्टम क्या होते हैं, यानी कि यदि मोबाइल से दूर रखोगे उनको तो अजीब बातें करेंगे नेमोफोबिया वाले पेशेंट, अजीब हरकत करेंगे और उनका अच्छी तरह से टाइम पास नहीं होगा बिना मोबाइल के। सिम्टम तो हमने बता दिए, अब ये आगे हम देखें इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में ये देखा गया है कि हम कुछ सपोर्टिव मेडिसिन के साथ साथ धीरे धीरे मोबाइल से दूर करते जाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है या नेमोफोबिया पेशेंट को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और वो धीरे धीरे उससे रिकवर हो जाता है, नेमोफोबिया से रिकवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।